India is a land of rivers. We have large number of rivers flowing across the country from north to south, west to east. The Ganga, Brahmaputra, and the Sutlej in the north, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, on the east side of the Deccan Plateau, Narmada, and Tapi, on the west. These holy rivers of our nation, from the time immemorial, have been destined our life, social, economic, cultural, and political. The rivers supports aquatic life, supply water to drink, help to drain water to our agricultural field. The rivers have been the source of transportation and even today. The rivers supply water and also food. Hey, silent. Hello. अभिजीत, आप सभी को यहाँ लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप नदी के महत्व को समझें, ठीक है? पुराने टाइम में अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें तो उस समय जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ था वो नदियों के किनारे हुआ था। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकती थी, सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, ठीक है, जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता थी वो नदियों से पूरा हो जाता था। जितने भी पुराने नगर बसे हैं वो सभी नदियों के किनारे बसे हैं, लेकिन आज ये दुर्भाग्य की बात है कि नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर आवर इन असम एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज कॉल्ड ब्रेडेड सिस्टम, ब्रेडेड, ओके। When a river flow through a number of streams, in between the area is called braided. नदी का सर इसमें ब्रह्मपुत्र में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। और क्या है? सभी नदी स्त्रीलिंग होता है, हाँ, ब्रह्मपुत्र, लेकिन ब्रह्मपुत्र है पुलिंग। ये
गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र है ना, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी जितने हैं ब्रह्मपुत्र है। ये रिवर फेस्टिवल मनाने का उद्देश्य क्या है सर? ताकि हमें हमारा रिवर जो ब्रह्मपुत्र हो या कुछ अलग रिवर भी हो इसे हम क्लीन करके रखे, इसे क्लीन करें टू क्लीन द रिवर्स। यस मैम। टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द रिवर्स एंड उसका यूजफुलनेस समझने के लिए टू नो द यूजफुल ऑफ द वाटर। देखो ये जो सिविलाइजेशन है ना वो पानी से जुड़ा हुआ, और पानी नहीं रहेगा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो अगर नदी गोल ढाक डोल ढाक